देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। टेलीकॉम कंपनियों की कॉल रिजेक्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महज 7 दिन के भीतर यानी 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को 1,47,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया चुकाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कुछ टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकती है। क्यूरेटिव याचिका में टेलीकॉम कंपनियां सरकार से AGR भुगतान के लिए समय बढ़ाने की अपील कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों को AGR भुगतान करने के लिए समय नहीं देता तो वोडाफोन को भारत से कारोबार समेटने को मजबूर होना पड़ सकता है। पहले आपको ये बताते हैं किस कंपनी को कितना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सरकार को देना है। वोडाफोन आइडिया पर 53,039 करोड़ रुपए बकाया है। भारतीय एयरटेल को सरकार को 35,586 करोड़ रुपए चुकाने हैं। टाटा टेलीकॉम पर 13,823 करोड़ रुपए बकाया है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 20,434 करोड़ रुपए बकाया है। इतनी बड़ी रकम सिर्फ 7 दिन में चुकाना कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए आसान नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने AGR भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई तो वोडाफोन को भारत से कारोबार समेटने पर मजबूर होना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया की हालत पहले ही खस्ता है। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को रिकॉर्ड 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था। वोडाफोन आइडिया पर 1,17,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज भी है। ऐसी सूरत में वोडाफोन आइडिया का महज 7 दिन में 53,039 करोड़ चुका पाना नामुमकिन ही लग रहा है। हालांकि एयरटेल IUC भुगतान का झटका सह सकती है। हाल ही में एयरटेल ने $3 अरब की रकम जुटाई है। दिसंबर में कॉल और डेटा रेट्स में भी 30% तक का इजाफा किया गया है। यानी भारतीय एयरटेल को सरकार को IUC चार्ज का भुगतान करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन वोडाफोन के लिए ये जीने मरने का सवाल है।